जी का स्वागत स्वागत है। आपके आयोजन के बारे में कुछ थोड़ा ब्रीफ में। ये पूरे देश से जो डॉक्टर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स और MBBS प्लस यानी पोस्ट ग्रेजुएट और सुपर स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर्स हैं, वो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। पूरे देश से इतने साल में हमने सभी डॉक्टर को इस टूर्नामेंट में खेलाया था और बहुत ही सफल आयोजन रहा था। इस टूर्नामेंट में हमारे जो कोचेज हैं, जो आप इधर सारे हैं, आप सभी देश के लिए सॉरी स्टेट के लिए रिप्रेजेंट कर चुके हैं, नेशनल प्लेयर रास्ता रणजी प्लेयर्स हैं। ये हमारे जो इस साइड में सारे कैप्टन्स हैं, आप न्यूरो सर्जन हैं R&D मेडिकल कॉलेज में, आप प्रोफेसर हैं गीतांजलि कॉलेज में, और डॉक्टर अलंकार गुप्ता CMHO हैं डूंगरपुर, डिप्टी CMHO सॉरी, और डॉक्टर तरुण रालोत हैं, ये न्यूरोलॉजी के HOD हैं R&D मेडिकल कॉलेज में, और मेरे साथ में कैप्टन राहुल हैं जो हमारे टूर्नामेंट के सेक्रेटरी भी हैं, आप रेडियोलॉजिस्ट हैं जोधपुर में, और डॉक्टर बलवान मिश्र कोच भी हैं और वंडर क्रिकेट अकेडमी के हेड कोच हैं, और नितिन जैन जो मेरा भाई है छोटा, ये टूर्नामेंट का लीग मैनेजर है, पिछले साल भी वो एक टीम के कोच है पीट्स के, और मेडी सेंटर के कोच है सबसे मुस्तन भाई हैं, या नीलेश कनक के कोच हैं, अमेरिकन के कोच मोहम्मद शफी हैं, और किंचित जो है हमारे गीतांजलि के कोच हैं, और किशन आज ये कितने मैच होंगे, किस तरह से खेला जाएगा ये टूर्नामेंट, राउंड रोबिन आधार पर खेला जाएगा। राउंड रोबिन इस टूर्नामेंट में 6 टीमें हैं जो आपस में दो दो बार मैच खेलेंगी, जैसे IPL में होता है डबल राउंड होता है, दो दो मैच खेले जाएंगे, हर टीम कम से कम 10-10 मैच खेलेगी, और ये IPL तर्ज पर ही टूर्नामेंट है जिसमें 6 टीमें हमने बनाई हैं, और उसका थोड़ी देर बाद ऑक्शन होगा, उसमें भी आप सम्मिलित हों, ऐसा मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। ऑक्शन कैसे, मतलब यूँ मतलब डॉक्टर्स ही खेलेंगे या कोई दूसरे प्लेयर जो यदि, या डेंटल डॉक्टर्स इसमें नहीं है, और मेरे ख्याल से देश का ये पहला टूर्नामेंट होगा जिसमें एक्सक्लूसिवली सिर्फ MBBS और वही डॉक्टर खेल रहे हैं। सबसे शुरू होगा कहाँ, कहाँ से मैच होंगे? ये टूर्नामेंट 13 अक्टूबर से फील्ड क्लब में शुरू होगा, 13 अक्टूबर से फील्ड क्लब में शुरू होगा, उसी दिन हमारा इनोग्रेशन होगा, और उसके बाद वहीं पर सैटरडे संडे को मैचेस खेले जाएंगे। तो कितने दिन चलेगा? उन लोगों को रोज 7 दिन या 10 दिन एक साथ खेलना आसान नहीं है, उनकी प्रैक्टिस और सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट होती हैं। ऑक्शन की क्या प्रक्रिया है यहाँ पर? ऑक्शन में बेसिकली कोई IPL जैसा इतना फंड नहीं होता है, हम लोगों ने फ्रेंचाइजी की है, वो लोग हमको फंड कर रहे हैं, तो इसमें जो ऑक्शन जो होती है वो पॉइंट्स पर होती है, बेसिकली पैसा नहीं देता है उसमें, पॉइंट्स पर रजिस्ट्रेशन किया जो जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, फिर आप सारे कोचेज जो रणजी ट्रॉफी खेले हैं और उससे ज़्यादा खेले हुए हैं, आप लोगों की निगरानी में सभी का ट्रायल्स किया गया शिकारवाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर, और उसके बाद उनका ग्रेडिंग किया गया, और ग्रेडिंग सभी कैप्टन्स कोचेज और फ्रेंचाइजी को हमने प्रोवाइड करा दिया, वो भी 3 बजे से जो ऑक्शन चालू होगी वो उस आधार पर अपनी अपनी टीम को फॉर्मेट करेंगे बनाएंगे, और वही टीमें फिर मैचेज में खेलेंगी, और इस टूर्नामेंट का मोस्ट ऑफ दी मैचेज हम लाइव कराने का सोच रहे हैं, जिसकी प्लानिंग हो चुकी है, लाइव YouTube और Facebook पे तो हो गई, और कोई लोकल चैनल में भी आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आपके चैनल पर भी कराना जरूर चाहेंगे। तो ये कौन सा मतलब क्या कि एक टीम को बनाने का जो तरीका है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि जिस तरीके से IPL होता है तो सेम चीज़ है किसी खिलाड़ी के लिए बिड होगा। मान लीजिए एक खिलाड़ी है, मान लीजिए उसका नाम सचिन है, सचिन के लिए सारी टीमें चाहती वो लें, लेकिन जिस तरीके से IPL में एक फंड है उसी तरीके से यहाँ पर भी एक पॉइंट का फंड है, 1 करोड़ पॉइंट्स मेरे पास है तो मेरे को 16 प्लेयर उसमें खरीदने, तो इंटरेस्टिंग है कि मैं इसको लूँ उसको लूँ, ये सब प्लानिंग टीम प्लान। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जितनी पारदर्शिता इसमें होती है और खिलाड़ी को अपनी वैल्यू पता चलती है, क्योंकि जो ऑक्शन होगा वो लाइव फेसबुक पे होगा, वो भी देखेगा, तो प्लेयर को एक फीलिंग आती है कि मैं, मेरे को इतने पॉइंट मिले, मैं इस टीम में गया, इतनी टीमों ने मेरे लिए बिड किया, क्योंकि समय नया समय आया, क्योंकि लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, कि लोगों तक जिन तक ये टूर्नामेंट नहीं पहुंच पाया है तो आपके मीडिया के थ्रू उन लोगों तक भी ये पहुंचे मैसेज, और वो भी अगले साल इसका पार्ट बने, तो यही हम आपसे अपेक्षाएं करते हैं। अब एक उद्देश्य ये भी है कि डॉक्टर अनाउंसमेंट करना चाहता था कि इस टूर्नामेंट का हम लोग एक सोविनियर भी छपाएंगे,
जिसमें ऑल ओवर इंडिया हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो टूर्नामेंट के जो डाटा है वो सब इसमें इंक्लूड रहेंगे, इस टूर्नामेंट के भी और पिछले टूर्नामेंट के भी। और जो कोई लोग जो भी इंटरेस्टेड हो और सोविनियर में पार्टिसिपेट करना चाहे हम उनका भी स्वागत करेंगे इसमें। आगे किस तरह से फ्यूचर जो है वो आपसे प्लान कर रखा है कि उद्योग कुछ नहीं रहेगी? जैसे आपने कहा कि कोई सचिन को सब लेना चाहेंगे, तो जैसे सचिन को आप किसी एक टीम ने ले लिया, सचिन मान लो 100 करोड़ में से 50 करोड़ पॉइंट में सचिन ने ले लिया, सचिन को एक टीम ने ले लिया, तो नेचुरली अब वो टीम किसी और दूसरे अच्छे खिलाड़ी को लेने की पोजिशन में नहीं रहेगी, तो बाकी जो टीमें हैं वो एक एक दो दो अच्छे खिलाड़ी ले सकती है। वो सब एक ही दिन एक ही जगह पर रहें और इंट्रक्शन दे रहे जैसा है ना कि जैसे किस लिए सारा ऑप्शन वापस हो रहा था, जिस प्लेयरों ने पिछले साल अच्छा परफॉर्मेंस किया हर टीम की नज़र उनके ऊपर है, तो वो इस चीज़ का बेनिफिट है कि आप अच्छा खेल रहे हो तो टीमों में जाएंगे। तो जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।